कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल फॉर सी प्रोग्रामिंग बाय testyourprep.com। एंड आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ प्रोग्राम्स की इफ एल्स स्टेटमेंट से रिलेटेड, जो हमने लास्ट वीडियो में कंसेप्ट समझा था। इफ एल्स, इफ स्टेटमेंट एंड नेस्टेड इफ एल्स के हम कुछ अच्छे कोड्स आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो गाइज, लेट्स डाइव इनटू आवर जीसीसी कंपाइलर एंड डू सम गुड कोड्स। तो हमारा पहला प्रोग्राम आज के लिए ये है। क्या कहता है प्रोग्राम? यूनिवर्सिटी कैलकुलेट्स द ग्रेड ऑफ अ स्टूडेंट एज पर द बिलो रूल। ठीक है, दिस इज आवर क्वेश्चन। ग्रेड ए इज इफ टोटल मार्क्स आर ग्रेटर दैन इक्वल टू 75। ठीक है, अगर 75 से ऊपर या 75 मार्क्स है स्टूडेंट के, तो उसका ग्रेड क्या है? ए। ग्रेड बी इफ टोटल मार्क्स आर ग्रेटर दैन इक्वल टू 60 एंड लेस दैन 75। क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का? कि अगर स्टूडेंट के जो ग्रेड्स हैं, अगर स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो 60 से 75 के बीच में है, 60 इंक्लूडेड, तो उसका ग्रेड क्या होगा? उसका ग्रेड होगा बी। ठीक है, ग्रेड सी होगा अगर उसके मार्क्स 55 और 60 के बीच में है, या तो 55 है या 55 से ऊपर है और 60 से नीचे है, तो उसका ग्रेड क्या होगा? सी। एंड उसका ग्रेड होगा डी अगर उसके मार्क्स जो है 50 से 55 के बीच में है, और लेस देन 50 मार्क्स के लिए स्टूडेंट्स का ग्रेड है ई, यानी कि एक तरह से स्टूडेंट है फेल। ठीक है, तो इसका हमें बनाना है सिंपल सा प्रोग्राम इफ एल्स यूज करके। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बात आती है कि यूज क्या होगा, इफ एल्स होगा, इफ एल्स इफ यूज होगा या नेस्टिंग होगी। ठीक है, तो अब हमने कल पढ़ा था कंसेप्ट में कि अगर हमें एक ही कंडीशन पे बात करनी होती है तो हमारा काम चल जाता है किससे? इफ एल्स से, राइट। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस है, 75 से ज्यादा मार्क्स, 60 से 75 के बीच, 55 से 60 के बीच एंड 50 से 55 के बीच, यानी कि हमारे पास 1, 2, 3, 4 एंड 5 कंडीशंस हैं टोटल। तो यानी कि हम इसमें करेंगे क्या, हम इसमें यूज करेंगे क्या, एक सेकेंड, मैं इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ऑलराइट, तो हम इसमें यूज करने वाले हैं इफ एल्स इफ। ठीक है, क्योंकि हमें मल्टीपल कंडीशंस को हैंडल करना है, हमें मल्टीपल कंडीशंस को हैंडल करना है, इसके लिए हमें इसमें यूज करना पड़ेगा इफ एल्स इफ, इसमें हमें यूज करना पड़ेगा इफ एल्स इफ। ठीक है, तो आइए यूज करते हैं। अब सबसे पहले जो मैंने आपको एक चीज बताई थी हम फॉलो करेंगे, वो क्या, कि हम सबसे पहले कोड का फ्लो देखेंगे, हम देखेंगे कि हमें कोड में क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, राइट। तो गाइस मेरी बात मानो, अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे ना, सबसे पहले कोड पढ़ के आप अपने मन में अप्रोच बनाओगे, आप चाहो तो उसको स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करने के लिए उसको पेपर पे नोट करो कि हाँ मुझे ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, कि पहले मुझे यूजर से इनपुट लेना है, फिर मुझे प्रिंट कराना है, फिर मुझे कैलकुलेट करना है, तो इससे आपको कोड करने में बहुत आसानी होगी। क्योंकि गाइस अभी तो कोड सिंपल सिंपल से हैं, लाइक मार्क्स कैलकुलेट करके ग्रेड बताओ, मार्क्स इसमें तो कैलकुलेशन भी नहीं करनी, सिर्फ कंडीशन को चेक करना है, ठीक है, कितने मार्क्स हैं उसके इससे इसके बीच में है क्या। तो अभी के लिए आप बहुत आसानी से कर सकते हो एंड आपको लगेगा कि हाँ यार मुझे तो बिना नोट करे ही अच्छे से दिमाग में रहती है चीज़ एंड मैं कोड बना पा रहा हूँ या बना पा रही हूँ। लेकिन जब आगे जाके एडवांस कंसेप्ट आएंगे, जैसे स्ट्रक्चर्स हो गया, ठीक है, आपके फंक्शंस हो गए, तो आप ना कन्फ्यूज हो जाओगे, अंदर ही अंदर आप घूम जाओगे कि मैंने क्या किया था और मुझे क्या करना था, अब मैं किस स्टेप पे आ गया हूँ। तो इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप एक बारी पेपर पे नोट करें, या अगर आपकी थिंकिंग पावर अच्छी है तो अपने मन में इस चीज़ को नोट कर लें कि मुझे क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं कैसे करूँगा ये कोड, आप मेरी अप्रोच देखिएगा। ये हमारे पास सैम्पल टेस्ट केसेस है, ठीक है, जैसे कि हमने यूज़र ने इनपुट किया 78, यूज़र ने क्या इनपुट किया 78, तो अब 78 जो है, 78 वो है ग्रेटर देन 75, यानी कि हमारी पहली कंडीशन ट्रू हो रही है, हमारी पहली कंडीशन ट्रू हो रही है, तो हमें आंसर क्या प्रिंट करना है? ए। ठीक है गाइस, हमें आंसर क्या प्रिंट करना है? ए। सेकंड टेस्ट केस देखते हैं, उसने इनपुट किया 47, उसने इनपुट किया 47, अब 47 देखते हैं किधर लाइ करता है हमारा, वो लेस देन 50 है, 47 इज लेस देन 50, राइट। तो हमें इसके लिए क्या प्रिंट करना है आंसर? हमें इसके लिए प्रिंट करना है ई, इसका आंसर ई है। तो ऐसे, ठीक है, अब हमने सैंपल टेस्ट केस समझ लिए, ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा कोड में हमें अप्रोच क्या फॉलो करनी है, राइट। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारा, हमें देखना है कि ग्रेड्स, सबसे पहले तो हमें ग्रेड ही चाहिए, तो
हमें ग्रेड का इनपुट लेना पड़ेगा। हम रैंडमली अपने हिसाब से तो नहीं कर सकते ना, हम ऑब्वियसली एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। आप ऐसे एग्जाम्पल इमेजिन करो कि हम एक सॉफ्टवेयर बना के किसी हमने स्कूल को बेच दिया अपना सॉफ्टवेयर। अब वो सॉफ्टवेयर हमारा काम क्या करता है कि आप उसमें मार्क्स इनपुट करो, ठीक है, आप उसमें मार्क्स इनपुट करो और उसके बाद वो आपको जो भी कंडीशन हमने सॉफ्टवेयर में लगाई हैं उसके हिसाब से एक आपको ग्रेड कैलकुलेट करके दे दे, राइट। तो अब सबसे पहले तो हमें यूजर से मार्क्स चाहिए, तो हम सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं यूजर इनपुट फॉर मार्क्स, ठीक। सेकंड स्टेप, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास इनपुट आ गया, अब मुझे यहाँ पे देखना है ग्रेड्स जो हमारी कंडीशंस हैं, तो हमें इनपुट करनी है अपनी या हमें चेक करनी है हमारी कंडीशंस जो हमारी ये है ग्रेटर देन 75, 60 to 75 है ना। कंडीशंस चेक करने के बाद थर्ड स्टेप हमें क्या करना है, प्रिंट अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। तो देखो गाइस, हमारा पूरा का पूरा कोड पढ़ने में जितना लंबा क्वेश्चन था 3 स्टेप में होगा खाली। एक बारी हमें इनपुट लेना है यूजर से, एक बारी हमें कंडीशंस चेक करनी है और उसके बाद हमें कंडीशंस के अकॉर्डिंग उसको प्रिंट करना है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट स्टेप से जो कि है यूजर इनपुट। तो लेट्स डाइव इनटू आवर जीसीसी कंपाइलर। तो गाइस मैं आ गया हूँ यहाँ पर अपने जीसीसी कंपाइलर में, एंड हम इसको फाइल को पहले कर लेते हैं सेव, सेव एस, इसको हम नाम देंगे grades.c, राइट। तो सबसे पहला स्टेप हमारा इंक्लूड स्टेटमेंट stdio.h, ऑलराइट। फिर उसके बाद इंट मेन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले यूजर से इनपुट लेना है, तो हम एक स्टेटमेंट लिख देते हैं प्रिंट एफ एंटर द मार्क्स स्कोर्ड, एंड एक लगा देते हैं हम \n ताकि हमारा वो नेक्स्ट लाइन में चला जाए कर्सर, ठीक है। अब हमें क्या इनपुट लेना है, मार्क्स। मार्क्स है नंबर्स, नंबर्स यानी कि इंटीजर। हमें कोई कैलकुलेशन करनी नहीं है, डेसिमल का हमारे पास कोई स्कोप नहीं है, तो इसीलिए हम सीधा इंट लेते हैं, इंट मार्क्स, राइट। अब इनपुट लेने के लिए हमें क्या करना है, स्कैन एफ, और फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा लगेगा, %d बिकॉज इट इज इंट, एंड हमने लगाया %m एंड मार्क्स, ठीक है। चलिए आप चाहो ना गाइस तो यहां से आप एग्जीक्यूट करके भी देख सकते हो ना स्टेप बाय स्टेप कि आपका कोड सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। अभी इतने कोड में क्या होना चाहिए, खाली एक स्टेटमेंट प्रिंट होनी चाहिए एंटर द मार्क्स कोड, एंड स्कैन होने चाहिए हमारे मार्क्स की हम इनपुट दे पाए, ठीक है। जहां से कंपाइल एंड रन किया मैंने तो ये आ गया है मेरा आउटपुट एंटर द मार्क्स स्कोर। यहाँ पे मैंने फॉर एग्जाम्पल 100 इनपुट कर दिया, तो अभी ऑब्वियसली कोई आउटपुट प्रिंट नहीं होगा क्योंकि हमने कोड ही नहीं बनाया है ना। तो इसको कर देते हैं बंद। अब हमारे मार्क्स आ गए। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या था, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये हमारा स्टेप फिनिश हो गया है। सेकेंड स्टेप हमारे पास है चेक द कंडीशंस। तो अब हम कंडीशंस के लिए इफ स्टेटमेंट लगाते हैं। तो हमारी पहली कंडीशन क्या है, हमारी पहली कंडीशन है कि ग्रेड्स ए होगा अगर टोटल मार्क्स ग्रेटर देन 75 है। सिंपल, अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 75, या तो 75 है या तो 75 से बड़े हैं, तो हम क्या कर देंगे, प्रिंट एफ ग्रेड ए, डन। कि अगर मार्क्स 75 है तो हम प्रिंट कर देंगे ग्रेड ए। सेकंड कंडीशन, एल्स इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60 एंड मार्क्स लेस देन 70, ये कंडीशन है हमारे पास, ग्रेटर देन इक्वल टू 60, ओके, एंड लेस देन 75 है, ठीक है। यहाँ पे ठीक कर देते हैं हम 75, ठीक है। तो ध्यान से देख रहे हो ना आप एंड क्यों लगाया है यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों कंडीशंस जो है ट्रू होनी चाहिए हमारी, इससे इसके बीच में। अगर हम यहाँ और लगाते, आप बोलो कि हम और क्यों नहीं लगा सकते, हम और लगाते तो इसका क्या मतलब होता, अगर मार्क्स 60 से बड़े हैं या 60 से 75 से कम है, कोई भी एक चीज ट्रू है ना तो प्रिंट कर दो, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा नहीं होता। इस केस में वो काम कर जाएगा लेकिन आगे जाके कुछ प्रोग्राम्स में गड़बड़ आएगी, इसीलिए हम यहाँ पे लगाएंगे और एंड, सॉरी, जब भी हम रेंज की बात करेंगे हम लगाएंगे एंड। तो
तो यानी कि मार्क्स अगर 60 से 75 के बीच में है तो हमें प्रिंट क्या करना है, ग्रेड बी। सिमिलरली इफ मार्क्स, क्या हमारी कंडीशन है 55 से 60 के बीच में, इफ मार्क्स इज लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 55 एंड मार्क्स इज लेस देन 60, हमें प्रिंट क्या कर देना है, ग्रेड सी। एल्स इफ हमारे पास कंडीशन है मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 एंड मार्क्स इज लेस देन 55, तो हमें प्रिंट क्या कर देना है, ग्रेड डी। एंड लास्टली अब हमें पता है कि हमारी ये कंडीशंस सारी फुलफिल हो गई, राइट। अगर इनमें से भी कुछ नहीं है तो इसके बाद तो भैया बच्चा फेल है, सिंपल सी बात है। ग्रेड डी के बाद ई एफ जी एच तो होता नहीं। इसके बाद हमारे कॉलेज में, हमारे स्कूल में यही हिसाब है कि अगर आपका डी भी नहीं है तो उसके बाद आप -1 -2 कितने भी नंबर ले आओ, एल्स आपका यही होगा कि आपका ग्रेड हो जाएगा ई। और हम उसको कॉम्प्लीमेंट्री मैसेज भी प्रिंट कर देते हैं, यू नीड टू वर्क इवन मोर हार्डर बड़ी, ठीक है। और हम यहाँ पे इसको कर देते हैं बंद, कर देते हैं रिटर्न 0 एंड हमारा कोड हो गया कंप्लीट। तो गाइस हमने कर दिया है सेकंड पार्ट भी कंप्लीट और थर्ड पार्ट भी कंप्लीट, क्योंकि थर्ड पार्ट हमारा था प्रिंट अकॉर्डिंग टू दी कंडीशंस। तो चलिए इसको अब रन करके देखते हैं 11 से। देखिए ये मेरा आ गया एंटर मार्क्स स्कोर्ड, पहली स्टेटमेंट, उसके बाद मैंने मार्क्स को एंटर कराया, चलो स्टूडेंट बहुत होनहार है 95 मार्क्स लेके आया है। तो अब हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 75, तो हमारा आउटपुट आना चाहिए ग्रेड ए, ग्रेड ए, ठीक है। एक बारी फिर से देखते हैं रन करके, इस बारी हम स्टूडेंट को मार्क्स इनपुट कराते हैं 35, तो हमारा क्या आंसर आना चाहिए, जो कि हमारी है लास्ट स्टेटमेंट, कि अगर उसके मार्क्स 50 से भी नीचे हैं तो उसका आंसर आएगा ग्रेड ई, यू नीड टू वर्क इवन मोर हार्डर बडी। तो ये था सिंपल इफ एल्स इफ का यूज, ठीक है। तो कंग्रेचुलेशंस गाइस, आपने अपना पहला कोड सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। बढ़ते हैं दूसरे कोड की तरफ, ये रहा हमारा सेकंड प्रोग्राम गाइस। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें ये करना है कि हमें स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है तीन नंबर्स में से, जो भी यूजर तीन नंबर इनपुट करेगा, जैसे इसने यहाँ पे 525 और 101 इनपुट किया, तो इसमें से सबसे छोटा नंबर क्या है, इसमें से सबसे छोटा नंबर है 25, तो हमें आउटपुट में क्या प्रिंट कर देना है, स्मॉलेस्ट इज 25, स्मॉलेस्ट इज 25, सिंपल प्रोग्राम है, ठीक है। तो आ जाओ फिर से हम लोग स्टेप्स देख लेते हैं हमें क्या करने हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है, इनपुट तीन नंबर्स का इनपुट लेना है। सेकेंड स्टेप में हमें चेक फॉर स्मॉलेस्ट, राइट। एंड थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, प्रिंट स्मॉलेस्ट। फिर से ये कोड हमारा जो है तीन स्टेप में हो जाएगा। आइए हम पहले फर्स्ट स्टेप करते हैं, इनपुट थ्री नंबर्स। चलते हैं जीसीसी कंपाइलर में, न्यू फाइल बनाते हैं, इसको सेव करेंगे हम smallest.c से, ठीक है। हैशटैग इंक्लूड stdio.h int main, ओके। सो यहाँ पर हम सबसे पहले एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं, एंटर थ्री नंबर्स \n, ओके। तो अब थ्री नंबर्स इनपुट करने हैं, यानी कि तीन इंटीजर वेरिएबल्स इंट ए बी एंड सी, तीनों को अब हमें स्कैन कराना है %d %d %d, क्योंकि तीन नंबर्स हैं, एंड %a %b %c, ठीक है। चलिए अब हमें क्या करना है, सिंपली चेक करना है। तो हमारा लॉजिक क्या है, अगर a जो है वो b से छोटा है, ठीक है, हमें स्मॉलेस्ट ही चाहिए, तो हम इसके अंदर फिर एक कंडीशन लगाते हैं, अगर a जो है वो c से भी छोटा है, आ गया नेस्टिंग। अब हमने यहाँ पे नेस्टिंग यूज की ना गाइस, हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें एक ही नंबर को दो नंबर्स के अगेंस्ट चेक करना है, ठीक है।
मल्टीपल टेस्ट केसेस तो हमारे पास है ही, लेकिन हमें और एक चीज क्या करनी है कि हमें एक ही नंबर को दो नंबर्स के अगेंस्ट टेस्ट करना है। तो हमने पहले चेक किया अगर ए बी से छोटा है, चलो जी मान लेते हैं कि ट्रू हो गया। फिर हम चेक करेंगे अगर ए सी से भी छोटा है तभी वो तीनों में से छोटा होगा, तभी वो तीनों में से छोटा होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे प्रिंट एफ, और अब हमें नहीं पता ना ए बी सी में से कौन सा छोटा है, तो हमें वो चीज वैल्यू ही प्रिंट करानी है चाहे वो वैल्यू कुछ भी हो। तो हम करेंगे परसेंटेज डी इज स्मॉलेस्ट, ठीक, एंड हम कॉमा लगा के लिख देंगे ए। ए क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि इतने कोड में हमने सिर्फ और सिर्फ ए के लिए चेक किया। ए अगर बी से छोटा है, ए अगर सी से भी छोटा है, तो हम प्रिंट करेंगे ए इज स्मॉलेस्ट, ठीक है, परसेंटेज डी ए इज स्मॉलेस्ट। यानी कि आप ये देखो, ये तो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो भी है एज इट इज प्रिंट होगा, इज स्मॉलेस्ट एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, बट जहां उसको दिख जाएगा परसेंटेज स्पेसिफायर, और उसके बाद यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो उस परसेंटेज स्पेसिफायर को कर देगी रिप्लेस। यानी कि ए की वैल्यू अगर वन है तो वन इज स्मॉलेस्ट। नेक्स्ट हमारी कंडीशन है इफ बी इज लेस देन सी, ठीक है, बी सी से छोटा है तो उसको ए से भी छोटा होना पड़ेगा। इफ बी इज लेस देन ए तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, परसेंटेज डी इज स्मॉलेस्ट, एंड परसेंटेज डी की जगह आ जाएगा बी, ठीक है। अब हमें पता चल गया या तो यहां से ए छोटा मिल जाएगा या तो यहां से हमें बी छोटा मिल जाएगा, एंड एक गलती मैंने करी है, यहां पे आएगा else if, ठीक है, else if, क्योंकि अगर ए छोटा नहीं होगा तो हो सकता है बी छोटा हो। अब हमारे पास नंबर तीन ही है ए बी और सी, ए छोटा मिल गया ठीक है, बी छोटा मिल गया ठीक है, बचा क्या, सी ही बचा है। तो दोबारा से ये दो चार लाइनें लिखने की नीड तो है ही नहीं। अब हमें पता है अगर ए छोटा नहीं है बी छोटा नहीं है तो ऑब्वियसली एल्स में सीधा सीधा हमारे पास प्रिंट एफ आ जाएगा, परसेंटेज डी इज स्मॉलेस्ट, और इसमें आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास सी। अगर ए छोटा है बी नहीं छोटा तो ऑब्वियसली बचा ही एक सी है, तो सी ही छोटा होगा। यहाँ से हम कर देते हैं रिटर्न जीरो, एंड इसको हम रन करके देखते हैं कोड को, ठीक है। तो ये हमारे आ गए एंटर थ्री नंबर्स, क्या क्या नंबर्स इनपुट कराएं, 35, 12, 59, ठीक है, 12 इज स्मॉलेस्ट, 12 इज स्मॉलेस्ट, है ना। अब जरा लास्ट छोटे नंबर को लास्ट में रख के देख लेते हैं, इनपुट आ गया 30, 48, 16, अरे हमारा आउटपुट नहीं आया, हमारा आउटपुट नहीं आया। ओके देखते हैं क्या गड़बड़ है। ओके गाइस, गलती समझ में आ गई है, यहाँ पर हमने जो एल्स लगाया था वो हमने गलत लगाया है। इस केस में एल्स इफ इसलिए नहीं आ सकता बिकॉज यहाँ पर हमें इंडिविजुअली हर नंबर को दोनों से चेक करना ही है, इसीलिए हम यहाँ पे एल्स इफ का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इफ लगाया, जब प्रोग्राम को कंपाइल किया 2, 3, 1 तो आया 1 इज स्मॉलेस्ट। तो ये हो गया स्मॉलेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स का कोड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कोड की तरफ। ऑलराइट गाइस, तो हमारा थर्ड प्रोग्राम क्या कहता है, हमारा थर्ड प्रोग्राम कहता है कि हमें यूजर से एक कैरेक्टर इनपुट कराना है एंड चेक वेदर द गिवन कैरेक्टर इज इन लोअर केस या अपर केस। लोअर केस अपर केस जानते हैं ना, लोअर केस यानी कि ये, दिस इज व्हाट लोअर केस, एंड अगर हम ये लिखें दिस इज व्हाट अपर केस ऑल्सो। गाइज, अब जब लोअर केस और अपर केस की बात हो ही रही है तो मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ। यहाँ पे ASCII वैल्यूज, हमारे पास सी सी प्लस प्लस जावा के अंदर में ASCII वैल्यूज होती है। ASCII वैल्यूज क्या होती है, जो ये हमारे पास कैरेक्टर्स है ना, ये हमारे पास जो कैरेक्टर्स है इनसे रिलेटेड हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, जो कैपिटल ए है उसकी इंटीजर वैल्यू हमारे पास होती है 65। जो कैपिटल बी है उसकी होती है 66, कैपिटल सी 67, एंड ऐसे बढ़ते बढ़ते ये जाता है 90 तक। ये जाता है कहाँ तक, जेड इक्वल्स टू 90। सिमिलरली हमारे पास जो होती है वो स्मॉल ए बी सीज की भी वैल्यूज होती हैं लोअर केस, वो क्या होती हैं, इसकी होती है हमारे पास
97 एंड स्मॉल बी की हमारे पास होती है 98, स्मॉल सी इज 99 अप टिल व्हाट स्मॉल जेड इज 122। ठीक है गाइस, तो यानी कि अगर हम एक कैरेक्टर वेरिएबल की इंटीजर वैल्यू की बात करें तो वो उसकी ASCII वैल्यू होगी कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक 65 to 90 एंड स्मॉल ए से स्मॉल बी तक 97 से 122। ऑलराइट, तो अब हम बात करते हैं इस प्रोग्राम की। तो इसमें हमने एक कैरेक्टर इनपुट कराया फॉर एग्जांपल ए और हमने उसको मेंशन किया कि वो है लोअर। ठीक है, तो इसके लिए हम दो मेथड्स फॉलो कर सकते हैं गाइस। या तो हम इस कैरेक्टर जो इनपुट किया उसकी ASCII वैल्यू को चेक कर लें, अगर वो ASCII वैल्यू 97 से 122 के बीच में है। ये चीज़ अभी अभी हमने करी ग्रेड्स वाले में कि अगर हमारा ग्रेड जो है 75 और 60 के बीच में है तो हमारा ग्रेड बी है, राइट। वैसे ही हम यहाँ पे कर सकते हैं, अगर हमारा जो ASCII वैल्यू है वो 97 से 122 के बीच में है तो हमारा स्मॉल है, लोअर केस है, और 65 से 90 के बीच में है तो हमारा अपर केस है। या फिर हम एक और चीज़ कर सकते हैं जो मेथड मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो आइए हम फिर से लिखते हैं यहाँ पे कोड की लाइंस। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनपुट कैरेक्टर। सेकंड हमें क्या करना है, चेक द ASCII या फिर कैरेक्टर, दो मेथड्स हैं। थर्ड, प्रिंट अकॉर्डिंग टू कंडीशन, प्रिंट अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो चलिए अपना पहला स्टेप हम करते हैं पूरा, राइट। तो हमारा पहला स्टेप क्या कह रहा है हमें, इनपुट करो कैरेक्टर को। तो कर देते हैं इनपुट यहाँ से, एक सेकेंड। ऑल राइट, तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ इसमें, इसको हम कर देते हैं सेव एक बार। हाँ, सो अब हमें पहला स्टेप था कि हमें कैरेक्टर इनपुट कराना है, तो हम लिखते हैं प्रिंट एफ स्टेटमेंट, एंटर एनी कैरेक्टर बैकस्लैश एन। ओके, तो अब जैसे हमने नंबर को स्कैन कराया था, हमने क्या लिया था, इंट, इंट ए लिखा था, इंट नंबर लिखा था। सिमिलरली यहाँ जब हमें कैरेक्टर को स्कैन कराना है तो हमारे पास क्या डेटा टाइप है, कैरेक्टर्स के लिए हमने पढ़ा था हमारे पास क्या डेटा टाइप है, कैर। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर कैर सी एच, राइट। अब हम इसको स्कैन कराएंगे तो हम लिखेंगे scanf परसेंटेज सी, क्योंकि अब हमें कैरेक्टर प्रिंट कराना है इसीलिए परसेंटेज सी एंड एम परसेंट सी एच। सिमिलरली हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया कंप्लीट इनपुट। अब हमें चेक करना है ASCII कैरेक्टर, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इफ एक तरीका गाइस ऐसे भी आप लोग कर सकते हो, सी एच डबल इक्वल्स टू कैरेक्टर को हमेशा हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में रखेंगे। ठीक है, हमेशा याद रखना, जब भी हम स्ट्रिंग की बात करेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमास, जब भी हम एक सिंगल कैरेक्टर की बात करेंगे सिंगल इन्वर्टेड कॉमास। तो इफ कैरेक्टर इफ कैरेक्टर इज ग्रेटर दैन इक्वल टू ए एंड कैरेक्टर इज लेस दैन इक्वल टू वॉट जेड, ये भी एक रेंज की तरह ही काम करता है। जैसे हमने मार्क्स के केस में किया था, जैसे हमने ग्रेड्स के केस में किया था, इफ मार्क्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 60 एंड लेस दैन 75, हमने रेंज डिसाइड की थी कि 60 से 75 के बीच में, राइट। वैसे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ए से जेड के बीच में स्मॉल। ठीक है, अगर ये है, इनमें से कोई भी कैरेक्टर है तो हम प्रिंट करेंगे क्या, लोअर केस, हम प्रिंट करेंगे क्या, लोअर केस। एल्स, अब हमें पता है यहाँ पे ना हम एल्स भी लगा सकते हैं और एल्स इफ भी लगा सकते हैं, वो डिपेंड करता है हमारे कोड पे। क्यों, क्योंकि कैरेक्टर हमारे पास सिर्फ ए बी सी नहीं होते, हमारे पास कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी होते हैं, जैसे कॉमा डॉट ये क्वेश्चन मार्क स्टार अंडरस्कोर हाइफन एट द रेट, ये हमारे पास कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क भी है एंड एक ये वाला सिंबल भी है, राइट, जो हमारा एस्केप से नीचे वाली की होती है।
ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं हमारे पास, इनकी अपनी आस्का वैल्यूज होती हैं। तो अगर तो कोड हमें कुछ इस टाइप का है जिसमें हमें कुछ स्पेशल केसेस का मेंशन ही नहीं है कि उसमें हम स्पेशल केस इंपोर्ट कर सकते हैं या नहीं, तब तो हमारा सीधा इफ एल्स से काम चल जाएगा, क्योंकि हमें पता है अगर कैरेक्टर छोटा लोअर केस में नहीं होगा तो ऑब्वियसली है कि हमारे पास ऑप्शन बचता है कि कैरेक्टर क्या होगा, अपर केस में होगा। ठीक है, कैरेक्टर क्या होगा, अपर केस में होगा। लेकिन अगर हम इनको भी कंसिडर करके चलें तब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस आ जाती हैं, क्योंकि अभी हमने इफ लगाया कि अगर कैरेक्टर हमारा स्मॉल ए से स्मॉल जेड के बीच में है तो हमने प्रिंट कर दिया लोअर केस। बट अभी हमारे पास दो कंडीशंस बाकी हैं, कौन कौन सी, एक तो अगर कैरेक्टर को हमने इनपुट करवाया स्मॉल ए से कैपिटल ए से कैपिटल जेड के बीच में, या हो सकता है यूजर ने कुछ ये वाला कैरेक्टर इनपुट कर दिया हो, है ना, तो वो अपर केस तो नहीं है, इसको तो हम स्पेशल बोलते हैं। इसीलिए हम तीनों केस कंसिडर करके चलते हैं एंड हम बोलते हैं कि इफ सी एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल ए एंड सी एच इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल जेड, तो वो क्या प्रिंट करेगा, अपर केस। अब हमें पता है कि हमारे पास लास्ट एक ही केस बचा है, इसके अलावा और कोई केस हो ही नहीं सकता, और वो हमारे पास क्या है, प्रिंट एफ स्पेशल कैरेक्टर, राइट, स्पेशल कैरेक्टर। चलिए अब मैं इसी प्रोग्राम में दो बार इनपुट ले लेता हूँ, चलिए मैं आपको अलग से ही कंपाइल करके दिखा दूंगा। तो इसको हम कंपाइल करते हैं, ये क्या बोल रहा है, वार्निंग इन फंक्शन मेन, ओके रिटर्न जीरो लिखना भूल गए हम, रिटर्न जीरो, ठीक है जी, कंपाइल करते हैं, अभी भी एरर है, रुको मैं चेक करता हूँ। ठीक है गाइज, हमारा एरर रिजॉल्व हो गया है यहाँ पे, पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, मैंने एक नई फाइल क्रिएट करी है उससे हमारा एरर रिजॉल्व हो गया है। ओके तो हम इसको रन करके देखते हैं, अब कंपाइल एंड रन, ओके एंटर एनी कैरेक्टर, तो हम कैपिटल जी एंटर कराते हैं, राइट, कैपिटल जी, हमारा आंसर क्या आया, अपर केस। ठीक है, एक बार और रन करके देखते हैं कोड को, इस बार ही हम कोई स्पेशल कैरेक्टर इनपुट कराते हैं, तो मैंने इनपुट करा दिया एट द रेट स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है गाइस, तो सिंपल इफ एल्स से हमने पता लगा लिया कि हमने इनपुट दिया है वो लोअर है, अपर है, या एक स्पेशल कैरेक्टर है। ऑलराइट गाइस, तो आज की वीडियो में हमने इफ एल्स से रिलेटेड तीन कोड्स देखे जो कुछ अच्छे कोड्स थे, एंड आप इफ एल्स की प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, अपने आप से आप कुछ कोड सोचिए एंड उसको इफ एल्स के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बाकी इस कोर्स के एंड में जो हम कोर्स करेंगे उसमें भी ये कंसेप्ट यूज होगा ही होगा, इफ एल्स। इसके बाद हम जितने भी कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं ना गाइस, जैसे इफ एल्स, हमारा इफ एल्स हो गया, फॉर लूप्स हो गए, व्हाइल लूप्स हो गए, ठीक है, ये सारे कंसेप्ट कुछ ऐसे हैं जो हर एक कोड में यूज होंगे। अब ये बिल्कुल जनरलाइज्ड पाथ पे हमारा कोर्स जाने वाला है, तो ये जो बेसिक चीजें हैं इनको सीखना, इनको समझना बहुत जरूरी है। एंड जैसे मैंने आपको बोला कि स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको कोड बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो अब इफ एल्स से रिलेटेड आगे भी कोड्स आते रहेंगे, जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे, लूप्स पढ़ेंगे, तो आगे जितने भी प्रोग्राम्स होंगे उनमें कंडीशंस तो लगनी ही लगनी है, अनकंडीशनल कोई प्रोग्राम तो होता ही नहीं है। ठीक है गाइस, तो एंड में हम कुछ अच्छे कोड्स भी करेंगे लास्ट में, जैसा मैंने आपको कल भी कहा था। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू गाइस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, बाय बाय।